आपने अर्लियर क्लास में ये जरूर पढ़ा होगा इस तरह की इक्वेशन, जैसे 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 या 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, इसको क्वाड्रेटिक और इसको क्यूबिक। तो लीनियर इक्वेशन जो होता है उसका केवल और केवल एक सॉल्यूशन होता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है इसका 2, और क्यूबिक जो होता है इसके 3 सॉल्यूशंस होते हैं। तो जितने डिग्री का जो इक्वेशन होता है उसका सॉल्यूशन भी क्या होता है, उतना ही डिग्री का होता है। तो इस इक्वेशंस को ध्यान से देखिए, यहां आपको ये कौन सा इक्वेशन दिख रहा है, लीनियर या क्वाड्रेटिक या क्यूबिक? लीनियर। तो लीनियर इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन भी कितना होगा, एक ही होगा। उसी तरह से ये भी लीनियर है तो इसका भी सॉल्यूशन एक ही होगा। तो बस हमको यही प्रूव करके बता देना है कि जो इक्वेशंस दिया गया है इसका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होगा, यानी केवल और केवल एक होगा, उसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता। कब? जब ए और बी एलिमेंट है ग्रुप जी का, ठीक है ना। तो ये हमको दिखा देना है, तो आइए शुरू करते हैं। लेट ए बिलोंग्स टू G, which imply A inverse belongs to G, यानी कि A क्या करता है, G से belongs करता है, तो A inverse भी क्या करेगा, G से belongs करेगा। तो which imply A inverse operation B belongs to G, यानी कि जब हम A inverse और B के साथ कोई operation लेंगे तो वो भी क्या होगा कि उस G से बिलोंग्स करेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि x यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है ना इस वाली इक्वेशन में, पहले इक्वेशन के लिए हम अगर बात करें तो हम x की जगह पर कुछ वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या पुट करेंगे, आइए देखते हैं। ये हम 1 के लिए प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो पुटिंग x इज इक्वल टू A inverse B in equation 1 we get। अब ध्यान से देखिए इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 क्या है, A x इज इक्वल टू B, तो हम सिर्फ x की जगह पर A इनवर्स B पुट करने वाले हैं। तो जो हमें मिलने वाला है रिजल्ट वो क्या मिलेगा, तो यहां पे मिल जाएगा A, और x की जगह पर हम कितना रखेंगे, A इनवर्स B, और इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, B, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो इनवर्स वाला फंडा होता है या एसोसिएटिव लॉ है हम उसे अप्लाई करने वाले हैं। तो विच इम्प्लाई, अब देखिए इसे हम A के साथ सेपरेट करा देंगे, तो ये हो जाएगा A, और A इनवर्स इनटू B इज इक्वल टू B। ये कैसे हुआ है, तो हम या तो लिख सकते हैं बाई एसोसिएटिव लॉ या हम डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पहले इसे देख लीजिए, यहां पे हम लिख सकते हैं एसोसिएटिव लॉ से, बाई एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, विच इंप्लाई। अब ए और ए इनवर्स है तो इसके बदले में हमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा, और ये हो जाएगा b इज इक्वल टू b। ये कैसे हुआ, ये भी ब्रैकेट में लिख देंगे, चूंकि a ऑपरेशन a इनवर्स इक्वल टू a इनवर्स ऑपरेशन a इज इक्वल टू e होता है, इसलिए यहाँ पे a और a इनवर्स है, a और a इनवर्स, तो उसके इक्वल होगा क्या, e, विच इंप्लाई b इज इक्वल टू b। अब इसके बदले में मैंने B कैसे लिखा, तो इसे जानना जरूरी है। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऑपरेशन है E ऑपरेशन B और इज इक्वल टू है B ऑपरेशन E, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा B। तो इस मेथड से हमने यहाँ पे इसको पुट किया, तो हमने देखा कि अगर हम X का कोई वैल्यू रखे हैं तो जो दोनों इक्वेशन है या सिर्फ ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है,
यानी b इज इक्वल टू b, यानी कि लेफ्ट हैंड में जितना वैल्यू है उतना ही वैल्यू किस हैंड में है, राइट हैंड में। तो इस तरह से हमें क्या मिला, तो हम ये यहां पे लिख लेंगे। दस x इज इक्वल टू a इनवर्स b सेटिस्फाइंग सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी, यानी कि ये क्या कर रहा है कि ए एक्स बी को सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ वी हैव टू शो दैट, तो हमें क्या दिखाना है, ये लिखना है वी हैव टू शो दैट, यानी जब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमें क्या दिखाना है, द सॉल्यूशन इज यूनिक, द सॉल्यूशन इज यूनिक, हमें ये दिखा देना है कि ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है, यूनिक है। तो आगे के काम के लिए हमें क्या यूज करना है, इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन में मान लेते हैं इफ पॉसिबल, अगर ये संभव हो तो लेट एक्स वन एंड एक्स टू, एक्स वन एंड एक्स टू आर टू सॉल्यूशंस, टू सॉल्यूशंस, या इसको हम जीरोज भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, टू सॉल्यूशंस या जीरोज या रूट भी कह सकते हैं, जो आपको मन है आप वो कह सकते हैं, ऑफ इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी, यानी कि हमने इसमें क्या माना, हमने माना कि एक्स वन और एक्स टू इस इक्वेशन का दो रूट्स है या दो सॉल्यूशन है, अगर पॉसिबल हो तो। तो फर्दर आगे की सॉल्व के लिए हम क्या करेंगे कि ये x1 और x2 को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा ये देख लेते हैं। तो अगर हम पहले x1 पुट करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन मिलेगा ए एक्स वन इज इक्वल टू बी, और हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और जो दूसरा जो हमारा जीरोज है उसे हम फिर से पुट कर लेते हैं, तो ए एक्स टू इज इक्वल टू बी, और इसे हम मान लेते हैं क्या, इक्वेशन टू। तो दोस्तों अब इक्वेशन वन एंड टू से हमें क्या मिलेगा ये देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट, यानी कि हमें इक्वेशन वन और टू से क्या मिलेगा, तो आप यहां से देखिए कि दोनों के जो राइट हैंड साइड हैं वो इक्वल हैं, तो क्या इसके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे, तो हम यहां से लिख सकते हैं ए एक्स वन इज इक्वल टू ए एक्स टू। अब आपको दिख रहा है कि दोनों तरफ ही क्या है, ये है, तो ऐसे भी ये कट जाएगा या हम इसे कैंसिल कर देंगे, तो विच इंप्लाई हमें मिल जाएगा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। ये क्या, हमने एक्स वन और एक्स टू को तो दो अलग अलग सॉल्यूशन माना था इस इक्वेशन का, लेकिन ये दोनों तो एक ही आ गया। अरे इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है इसका दो सॉल्यूशन नहीं हो सकता, केवल और केवल एक सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि अगर हम दो सॉल्यूशन ले रहे हैं तब भी वो एक ही वैल्यू दे रहा है। जैसे कि अगर यहाँ पे दो एलिमेंट मैंने माना है तो यहाँ पे केवल और केवल क्या मिला कि वो जो दोनों एलिमेंट मिला वो हमें एक ही मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन होगा केवल और केवल एक होगा। तो इसके बारे में हम और क्या कमेंट कर सकते हैं। दस द इक्वेशन
ax इज इक्वल टू बी हैव यूनिक यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। हमने बता दिया कि ये जो इक्वेशन है वो क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो यहां पे दोस्तों हमने जो काम किया है वो केवल और केवल इक्वेशन वन के लिए किया है, उसी तरह से हमें इक्वेशन टू के लिए करना है। तो यहां भी आप देख सकते हैं कि ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन ही है। तो यहां पर भी हम कोई भी टू रूट्स मान के चलेंगे और फिर अगर वो दोनों रूट्स आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, तो फिर हम उन्हें क्या कह देंगे कि वो जो रूट्स हैं वो केवल और केवल यूनिक हैं जो इक्वेशन गिवेन है उसका। तो दोनों ही इक्वेशन सेम है बिकॉज दोनों के वेरिएबल्स अलग हैं, वो एक्स में है और ये वाई में। तो हम यहाँ से इसे फिर दोबारा प्रूफ नहीं करेंगे, हम यहाँ से लिख देंगे सिमिलरली। सिमिलरली हमें क्या मिल जाएगा, या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या हम दिखा सकते हैं, वी कैन सो डैट हम दिखा सकते हैं कि वाई ए इज इक्वल टू बी इज सॉल्वेबल एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि जो इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन है हमारा, ये क्या है कि सॉल्वेबल है, यानी कि इसका सॉल्यूशन हो सकता है या इसे सॉल्व किया जा सकता है, और सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो यूनिक आएगा, यानी कि जो इसका रूट आएगा केवल और केवल एक आएगा। तो ये छोटा सा थ्योरम कह लीजिए या क्वेश्चन कह लीजिए, बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसमें कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताना ना भूलें। इसमें हम सीरीज चला रहे हैं, इनफाइनाइट सीरीज का और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, तो ये दोनों साथ में चल रहा है जो कि बीएससी पार्ट टू का है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग और भी दोस्तों को बताइए जो इनका लाभ उठा सकें। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।